नमस्कार, खबर 5 बजे के साथ मैं हूं दीपेश जैन। और सबसे पहले बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है, जहां पर सेटअप बॉक्स के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। जी हां, बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है। आरोपी का नाम हितेश रघुवंशी है, जिसको लेकर पहले पुलिस अस्पताल पहुंची, यहां उसका मेडिकल कराया गया और इसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी हितेश रघुवंशी को 22 तारीख तक के लिए अब पुलिस रिमांड में भेजा है। आपको बताएं कि हितेश रघुवंशी पर 1 करोड़ से भी ज्यादा की धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये आरोपी है हितेश रघुवंशी, जिसको आज मेडिकल के लिए पहले पुलिस टीम MY लेकर पहुंची और उसके बाद इसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इसे 22 तारीख तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी इसने की थी सेटअप बॉक्स के नाम पर। MIG थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज 2019 में कि इन्होंने सेटअप बॉक्स की धोखाधड़ी करी थी डीजेना कंपनी के साथ, जिसके के अंतर्गत इसको आज कोर्ट में न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जिसमें कि रिमांड कोर्ट ने इसे 22 तारीख तक हितेश रघुवंशी को रिमांड पर भेजा गया है, जिसमें 22 तारीख को इसे पेश कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इसमें सर, इसमें पुलिस ने 3 दिनों का रिमांड मांगा है, आज 19 तारीख है, इसको 22 तारीख को वापस न्यायालय में पेश कर आगे की न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें इसके द्वारा 1,15,00,000 रुपये की सेटअप बॉक्स की धोखाधड़ी का इसके ऊपर एलिगेशन लगा था, जिसके कि दस्तावेज संबंधित इससे जांच होना बाकी है और दस्तावेज जब्त करना भी बाकी है, ऐसा कि पुलिस द्वारा न्यायालय को बताया गया है, जिसके अंतर्गत कि इसके दस्तावेज जब्त करने हेतु इसे वापस PR में 3 दिन का। चलिए, तो सचिन हमारे साथ जुड़ गए इंदौर से इस खबर पर और जानकारी उनसे लेते हैं। सचिन, क्या कुछ हुआ कोर्ट में और अब क्या कह रही पुलिस, आगे किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? देखिए, करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में आज ये हितेश रघुवंशी को न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से इसे पुलिस ने 3 दिन का रिमांड मांगा था। न्यायालय द्वारा ये रिमांड स्वीकृत करते हुए 3 दिन का यानी 22 तारीख तक का पुलिस हिरासत में रिमांड पर सौंपा है, जहां इसे पुलिस ने को अभी कई और पूछताछ करनी है, कई दस्तावेज और खंगालने, पूरे मामले में और दस्तावेज खंगालने हैं, जिसके बाद अब और भी खुलासे होने की संभावना है। वहीं हितेश रघुवंशी के साथ 3 अन्य डायरेक्टर और हैं, जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, क्योंकि वो अभी तक फरार चल रहे हैं, तो उसकी भी जानकारी हितेश रघुवंशी से निकलाना है। तो अब 22 तारीख को वापस से दोबारा इसे कोर्ट में पेश करके आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया इससे तमाम जानकारी के लिए सचिन। अनूपपुर में नर्मदा जयंती के मौके पर CM शिवराज सिंह चौहान ने मां नर्मदा के दर्शन किए और प्रदेश की सुख समृद्धि की प्रार्थना की और कहा कि नर्मदा मैया मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, मध्य प्रदेश में समृद्धि नर्मदा मैया की कृपा से ही है। उनका पवित्र जल न सिर्फ हमारी प्यास बुझाता है, बल्कि हमारे खेतों में सिंचाई कर किसानों को समृद्धि भी देता है। पवित्र अवसर पर सभी मधुमेहवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नर्मदा मैया मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, मध्य प्रदेश में अगर समृद्धि है तो नर्मदा मैया की कृपा से है। उनका पवित्र जल ना केवल हमारी प्यास बुझाता है, बल्कि हमारे खेतों में सिंचाई करके किसानों को समृद्धि देता है। हम कहते हैं कि हम रेवा माँ के बालक है, मैया दूध पिलावत है, लेकिन रेवा मैया में मल जल से लेके अनेक प्रकार की गंदगी मिलाने में भी हमारे दोष है। वृक्ष कम होते गए तो मैया की धार भी प्रभावित हुई है, और इसलिए मैं सभी प्रदेशवासियों को आह्वान करता हूं कि हम सब मिलकर, सरकार हर जगह ट्रीटमेंट प्लांट बना रही है, लेकिन समाज और सरकार मिलकर नर्मदा मैया में कल कल छल छल करके शुद्ध जल बहता रहे, इसका संकल्प करें। नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह आज खुरई के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने ऑफिसर कॉलोनी में बनने वाली 1,16,00,000 रुपए की लागत से निर्मित रोड का लोकार्पण किया। खुरई पहुंचने पर मंत्री भूपेंद्र सिंह का जगह जगह स्वागत किया गया। उन्होंने सबसे पहले ऑफिसर कॉलोनी में रोड लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद उन्होंने 5,52,00,000 रुपए की जल प्रदाय योजना के लिए भी भूमि पूजन किया। सुपर!
बैतूल की मुलताई विधानसभा से कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे की बोल आज बिगड़ते सुनाई दी। उन्होंने एक्ट्रेस कंगना रनौत को लेकर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। विधायक सुखदेव पांसे ने कंगना रनौत को कलेक्टर के सामने नाचने गाने वाली कह दिया। दरअसल पिछले दिनों सारणी में कांग्रेस कार्यकर्ता कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म धाकड़ की शूटिंग रुकवाने पहुंचे थे। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था और कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए गए थे। इसी घटना का विरोध करने कांग्रेस रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंची थी। इस दौरान कलेक्टर से बात कहते हुए सुखदेव पांसे के बोल बिगड़ गए और उन्होंने कंगना रनौत को नाचने गाने वाली कह दिया। अपमान के रूप में कंगना जैसी नाचने गाने वाली एक महिला हमारे किसानों के स्वाभिमान के साथ ठेस पहुंचाए और उस स्वाभिमान की रक्षा के लिए यदि कांग्रेस खड़ी है तो पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करने के लिए, तो ये लोकतंत्र है, हमारा अधिकार है विरोध करने का। पुलिस कठपुतली नहीं बने, सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन किसी की एक महिला के चक्कर में पुलिस हमारे और चलिए बात करेंगे बड़ी खबर की। खबर बैतूल से ये, जहां पर कांग्रेस विधायक और प्रदेश के बड़े तेल कारोबारी निलय डागा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आईटी की रेड यहां दूसरे दिन भी जारी रही। परिवार के बैंक खातों को सीज किया गया। डागा परिवार के 5 लॉकर भी मिले जिन्हें शनिवार को खोला जा सकता है। विधायक के 6 ठिकानों पर शुक्रवार को आईटी की टीमें सर्चिंग कर रही हैं। डागा विधायक के मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में भी कारोबार हैं। निलय डागा को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का भी करीबी माना जाता है। नर्मदा नदी से अवैध उत्खनन को लेकर नरसिंहपुर कलेक्टर वेद प्रकाश पर गंभीर आरोप लगे हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने जबलपुर कमिश्नर बी चंद्रशेखर को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अवैध खनन की जानकारी देने के बाद भी नरसिंहपुर कलेक्टर पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि नर्मदा नदी में लगातार अवैध खनन जारी है, साफ है कि जिला प्रशासन की मिली भगत के बिना यह संभव नहीं। आपको बताएं कि कमल पटेल इसके पहले भी कई बार अवैध खनन का मसला उठा चुके हैं। पटेल ने कमिश्नर को लिखा कि जिन प्रशासनिक अधिकारियों का सीधा दायित्व है कि वो खनन रोकें, वो भी कार्रवाई नहीं कर रहे, लिहाजा नरसिंहपुर के जिम्मेदार अधिकारियों जिनमें खनिज अफसर, खनिज निरीक्षक, एसडीएम और तहसीलदार के साथ थाना प्रभारी भी शामिल हैं, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। टीम बनाकर संभाग से जांच कराने के आदेश नरसिंहपुर जिले के घाट, घाट पिपरिया, रेवा नगर घाट, धर्मपुरी घाट, जिकोली घाट और भूमिया घाटा थाना घाट और कक्कड़ा घाट, इनके मेरे पास वीडियो प्राप्त हुए। वहाँ के सरपंच और पत्रकारों ने और वहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे व्हाट्सअप किए, उसमें अवैध खनन और पंडुबी से रेत निकल रही पानी में से, पोकलैंड मशीनें चल रही पानी में से, मैंने तत्काल कल कलेक्टर नरसिंहपुर को व्हाट्सअप करके और सूचना की थी और आदेश दिया कि तत्काल छापा मारो। और इसमें जो भी दोषी हो, ठेकेदार हो चाहे कितने बड़ा माफिया, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, एफआईआर कराएं, राजसात करें वाहन और रासुका की कार्रवाई करें, और जो जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त है, इसमें सहयोग कर रहे हैं अवैध खनन में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, अनुशासनात्मक निलंबन की कार्रवाई करें और एफआईआर कराएं, ताकि किसी की हिम्मत न हो कि मां नर्मदा को कोई छलनी कर सके या अवैध खनन कर सके। उज्जैन में खनिज विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां उज्जैन में अवैध तरीके से रेत खनन करने वाले माफियाओं पर कार्रवाई की गई और 6 डंपरों को जब्त किया गया। साथ ही खनिज विभाग के इंस्ट्रक्टर ने बताया कि सभी वाहन सीहोर जिला के नसरुल्लागंज, देवास, खातेगांव और नेमावर क्षेत्र की ओर से आकर उज्जैन क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन करते थे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 6 डंपरों को जब्त किया। सतत कार्रवाइयां कर रहे हैं अवैध उत्खनन परिवहन की रोकथाम के लिए और निरंतर कार्रवाइयां जारी हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाइयां होगी जिससे इन सब पे अंकुश लग सके और शासन की मंशा अनुसार शासन को सही राजस्व जो उचित मिलना चाहिए वो मिल सके और इस तरह के अवैध कार्यों पे लगाम लग सके। आज सुबह से जो जाँच चल रही थी उसमें कुल 6 डंपर्स अवैध बालू के परिवहन पर जब्त किए गए हैं, जिसमें से 1 डंपर आपका नामचरी थाना में खड़ा है और 5 डंपर नरवा थाना में। देखिए, ये तो निरंतर कार्रवाई का हिस्सा है और ये चलता ही रहेगा। ऐसा चीज कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर टाइम के लिए है, हमारा विभाग जो है अपने क्षमता अनुसार निरंतर कार्रवाई कर रहा है, करता भी रहेगा।
आज नर्मदा जयंती के मौके पर जबलपुर से कांग्रेस विधायक संजय यादव ने विरोध प्रदर्शन किया। गंदे नालों का पानी नर्मदा में मिलने से नाराज विधायक ने नाव में बैठकर ये प्रदर्शन किया और विरोध दर्ज कराया। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय का 24वां दीक्षांत समारोह 20 फरवरी को होने जा रहा है। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन डॉ डीपी सिंह होंगे। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इनके अलावा कुलपति डॉ अखिलेश पांडेय ने बताया कि दीक्षांत समारोह में विभिन्न विषयों में करीब 240 छात्रों को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। वहीं समारोह में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 10 फरवरी रखी गई है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कल जो कन्वोकेशन प्रोग्राम है उसमें मध्य प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया पधार रही हैं। उसके अवसर पर क्या पुलिस इंतजाम रहेगा, कार्यक्रम क्या है, उसके निरीक्षण के लिए एडीएम साहब और हमारी पूरी टीम आई है। उसमें पूरा जो कार्यक्रम है मिनट टू मिनट क्या प्रोग्राम रहेगा उसकी जानकारी ली गई और उसके मुताबिक जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से लगाई जाएगी। दतिया में मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। यहां इंदरगढ़ गांव में दो डेयरियों पर खाद्य विभाग के साथ सेंवड़ा एसडीएम ने छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई में टीम ने डेयरी से 150 किलो घी, खोआ और केमिकल जब्त किया। बताएं कि मिलावटखोर अपने ही घर में नकली घी और दूध बनाया करते थे, जहां से ये दूध घी बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। साथ ही मिलावटखोरों के पास से 150 क्विंटल घी, 40 किलो क्रीम और केमिकल जब्त किए गए। खरगोन के कई गांव में आबकारी विभाग ने अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने हाथ भट्टी से शराब बनाने वाले अड्डों पर दबिश दी और जंगलों से करीब 1.5 लाख रुपए की 80 लीटर हाथ भट्टी शराब के साथ करीब 2700 किलोग्राम महुआ लहान को जब्त कर मौके पर ही नष्ट किया गया। सिंगरौली जिले के जिया वन थाना अंतर्गत अपने ननिहाल खड़ौरा गांव में आई नाबालिग लड़की के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि पहले तो सजातीय होने के कारण परिवार में ही समझौता और सुलह कराई जा रही थी, लेकिन नाबालिग लड़की को असहनीय कष्ट होने के कारण उसको देवसर इलाज के लिए लाना पड़ा। नाबालिग लड़की के परिजनों ने इसके बाद आरोपी के खिलाफ वन थाने में केस दर्ज कराया। यह लड़की का मामला तो अपना जाने है। दर्ज नहीं कर रही पुलिस? अब तो दवाई गोली कुछ नहीं होती है। अभी है पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? अब वही नर्स आई हूँ तो नर्स वही अब इनका मेडिकल सेडिकल करी तब उनका दवाई हुई, हमारी नकल निकली। मामला दर्ज हुआ है? हाँ। एफआईआर हो गया है? अब कागज नहीं मिला यार। एफआईआर दर्ज नहीं हो रही आपकी है ना? नहीं, मेडिकल भी नहीं हुआ अभी। कोई लोग दबाव बना रहे क्या, नेता लोग कुछ दबाव बना रहे क्या किसी को? अब वही आई ही तब बनी मैडम, आई ही तब फिर देखी ही तब फिर बनी जी। देवसर थाना क्षेत्र में ये दिन में लगभग 12 बजे शिकायत आई थी कि एक 13 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई है। इस पे थाने से तुरंत संज्ञान लिया गया और 376 उपाक्षेप के अंदर प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी 20 वर्षीय युवक है, इसका नाम दाता गोल है, इसको अभिरक्षा में लिया गया है और इसमें प्रकरण इन्वेस्टिगेशन है, शीघ्र इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। वक्त एक ब्रेक का, हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। खबर इंदौर से, जहां अन्नपूर्णा क्षेत्र में एक युवती ने फांसी लगा ली। आत्महत्या की वजह एक युवक से शादी का इनकार होना बताया जा रहा है। ये युवती जो है शादी करना चाहती थी लेकिन युवक ने शादी से इनकार कर दिया। पुलिस हालांकि पूरे मामले की जांच में जुटी है। सर लड़के से धीरज करके बात चलती थी, सिंधी कॉलोनी का लड़का है, तो उससे हाँ हो गई थी। और लड़का पहले बोल रहा था करूँगा शादी, अभी 2-4 दिन से कोई अनबन हुई तो ये हुआ ऐसे काम में। ये 2-4 दिन पहले आना हो रही थी तो उसके चक्कर में ही हुआ है ये पूरा काम। ये थाना अन्नपूर्णा के पीछे जजगत कॉलोनी का मैटर है। इसमें खुशबू बदलारी नाम की 23 साल की उम्र की लड़की है, जिसने कल शाम को फांसी लगाकर सुसाइड किया है अपने कमरे पे।
जिसकी सूचना इनके परिजनों द्वारा थाने पर दी गई थी। मृतिका के शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल लेके आया गया है, इनका पीएम कराया जा रहा है और अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि क्या कारण है बच्ची के सुसाइड का। बच्ची पढ़ी लिखी है और कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है घर से, एवं ऐसा कोई अभी स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है कि क्या है, इसकी जांच की जा रही है। जब जांच में पता चलेगा तब स्पष्ट कारण पता चलेगा। यूपी के चंदौली में बाइक और साइकिल सवार में जोरदार टक्कर हो गई जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, जिसके बाद शव को मृतक के परिजनों के सुपुर्द किया गया। हाँ, एक यहाँ पर एक्सीडेंटल आया हुआ है, ये बिठवाल कला के पास एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कि एक बनारस से मोटरसाइकिल आ रही थी और इधर से एक राजगीर साइकिल से जा रहे थे, दोनों के टक्कर हो गई। घटना स्थल पर ही मोटरसाइकिल जो सवार था उसकी मृत्यु हो गई है और ये साइकिल सवार जो हमारे यहाँ आए हुए हैं ये गंभीर रूप से घायल हैं, इनका प्राथमिक उपचार कर लिया गया है। लखनऊ के गोमती नगर रिवर फ्रंट पर खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक कार की रफ्तार बहुत तेज थी जिसकी नगर निगम की गाड़ी से टक्कर हो गई। इस हादसे में कार ड्राइवर और उसके पास बैठी महिला बुरी तरह जख्मी हो गए। देखते ही देखते वहां काफी जाम लग गया। मौके पर एम्बुलेंस तो नहीं आई लेकिन दूसरे वाहन चालक ने इंसानियत दिखाते हुए घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। करीब आधे घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन तब तक नगर निगम का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया था। गाजियाबाद के लोनी इलाके में सबरोज नाम की महिला को संदिग्ध हालत में गोली लगी। घायल महिला को आनन फानन में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में एडमिट कराया गया। महिला की हालत अभी नाजुक है। पीड़िता के परिवार वालों का आरोप है कि दहेज के लालच में ससुराल वालों ने ही सबरोज को गोली मारी। सबरोज की शादी कुछ साल पहले हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए उसे परेशान किया जा रहा था। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। वहीं लोनी क्षेत्राधिकारी अतुल सोनकर ने बताया कि इस गोलीकांड में जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। वो लड़की है जी, मेरी लड़की है, मेरी महिला, वो जो महिला है मेरी लड़की है वो। और मैं तो सुबह ही जब नमाज पढ़ने जा रहा था, मुझे वहाँ नमाज पढ़ के बाद में जब सलाम फिर गई और वहाँ जब थोड़ी सी बार वो करते तालीम नमाज में, तो तालीम में बैठा वो फैयाज कहना रहा समरोज कर तेरी लड़की गोली मार दी तो यहाँ बैठा, तो मुझे पता लगा जब मैं गया, मुझे वहां जाके पता लगा। लखनऊ के हसनगंज में संपत्ति विवाद में एक युवक की हत्या हो गई। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के सदस्यों में संपत्ति के बंटवारे को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि पिता ने ही अपने बेटे की हथौड़े से पीट पीट कर हत्या कर दी। मृतक का नाम हलीम है जिसके माता और पिता और भाई पर ही हत्या का आरोप लगा है। बलरामपुर में थाना मतराई के शिवानगर बौद्ध परिपथ पर स्कॉर्पियो और एक भूसे से लदी ट्रॉली में टक्कर हो गई जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और पांच लोग मारे गए घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। मृतक के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं पुलिस घटना की जांच कर रही है। रायगढ़ जिले के साजापाली के ढंढुन नारा गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इस गांव में ना तो सड़क है ना ही पीने का साफ पानी है। साथ ही गांव में यदि कोई बीमार हो जाता है तो उसे इलाज के लिए पैदल या फिर खाट पर लाद कर ग्रामीण 10 से 12 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाते हैं। साथ ही गाँव में आज तक स्कूल और आंगनबाड़ी भवन भी नहीं बन पाए। ये गाँव विकास की राह से कोसों दूर है। वहीं जैसे डीएनएन संवाददाता ने कलेक्टर भीम सिंह को गांव की समस्याओं के बारे में बताया तो कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि जल्द ही गांव में सड़क और आंगनबाड़ी भवन बनाए जाएंगे। साथ ही गांव में बोरवेल भी लगवाया जाएगा जिसके लिए एसडीएम के साथ एक प्रशासनिक टीम गांव में भेजी जाएगी। सब समस्या यह है, पानी के साधन नहीं, ये रोड के साधन नहीं, ये ना यहाँ कुछ के साधन नहीं है, कुछ नहीं है, स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं है, ना आंगनबाड़ी नहीं है, ना पानी नहीं है, रोड नहीं है। अच्छा। और हाजी मोर विधवा नहीं मिलते, पेंशन नहीं मिल रहा है, नहीं मिलते पेंशन नहीं मिलते। कितना परेशानी होती है? बहुत परेशानी है हमारे यहाँ सर, बोरिंग का सुविधा नहीं है और स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी भी नहीं है, बोर नहीं है सर।
कहाँ का पानी पीते हैं आप लोग? आप झरिया उरिया का पीते हैं सर, खान में डोह ला के। अच्छा, तो बीमार उमार पड़ते हैं तो कैसे करते हैं? कैसे अब खाटिया उटिया में डोह के लेते हैं सर। कहाँ ले जाते हैं? अब रास्ता जहाँ दिखता है वहाँ दुला नगर इधर है 10 किलोमीटर, साजा पाली है 10 किलोमीटर, वहीं से ढो के लेते हैं एम्बुलेंस वगैरह चाहे खुद का गाड़ी। खटिया में सर? खटिया में जी। रास्ता नहीं बना आप लोग? नहीं बना है सर। बेमित्रा में जनपद पंचायत अध्यक्ष समेत सदस्यों ने जनपद सीईओ की बैठक का बहिष्कार किया। बताया कि बेमित्रा जनपद पंचायत की बैठक जिला पंचायत सभा कक्ष में रखी गई थी। बताया जा रहा कि जनपद सीईओ की मनमानी के चलते अध्यक्ष समेत सदस्य हैं और परेशान सदस्यों का कहना है कि एक साल कार्यकाल का गुजर गया जिसके बाद हमारी किसी भी बैठक की सूचना और किसी भी सवाल का जवाब सही सही नहीं देते बना। अब कहाँ पता भाई, सीओ सुना है नहीं, अधिकारी मन नहीं सुना है हमारे मन के बात। एक हर से का तकलीफ हुआ था आपका? तकलीफ होगी कैसे नहीं था, जनता के? जनता के का होते का हाँ, कुछ बोलता ना तो सुनाई नहीं करे। का काम लला था जिम नहीं करे का आवाज का कात रहे? आवाज के काम, विधवा मन के, राशन कार्ड के, उजन के नहीं सुना है, कोई चीज़ सुनता नहीं इन लोग। और हमेशा मीटिंग करते हैं लेकिन कभी किसी को बता बैठना ही नहीं देता बाहर। कोई भी जनप्रतिनिधि का, जनप्रतिनिधि हैं उनका प्रतिनिधि रहता है, जैसे कि महिलाओं का, महिला हमेशा हर जगह जा नहीं सकते, लेकिन उन लोगों को बैठने का मौका मिलना चाहिए। और बैठक क्यों नहीं होती, क्या बोल रहे हैं कई महीनों बाद? और मैं देख रहा हूँ कि इतना भी समिति बना है उसमें अभी तक कोई भी समिति का बैठक एक भी बैठक नहीं हुआ है। और क्या मनमानी बोल रहे थे और वो क्या है, कोई भी चीज़ का अभी तक सही तरीके से जानकारी नहीं दिया है अभी तक, और सीओ का पूरा मनमानी चल रहा है। जहाँ तक ये बाहर निकले इसकी जानकारी तो मुझे नहीं दी है, मगर बाहर जाते वक्त मैंने पूछा तो उनका ये कहना है कि उनके पंचायत के जो निर्वाचित हमारी महिला सदस्य हैं उनके संबंधीगण या पति यहाँ पर बैठना चाह रहे हैं, इस वजह से बाहर गए। उनका आरोप है कि आप उनकी बातें नहीं सुनते, एक समिति दो तीन समिति ऐसी जिसका आज तक बैठक ही नहीं हुआ है। नहीं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, वो झूठ बोल रहे हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है, सभी लोगों सदस्यों सम्मान्य सदस्यों की बातें सुनी जाती है, ऐसी कोई बात। शमशाबाद में जिला परिवहन अधिकारी ने लटेरी में वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कई वाहनों के दस्तावेज और फिटनेस चेक की गई। इस दौरान 4 बसों के फिटनेस अपडेट नहीं होने पर चालानी कार्रवाई की गई, वहीं 1 दर्जन वाहनों की जब्ती की कार्रवाई भी की गई। सीधी बस हादसे के बाद परिवहन मंत्री ने पूरे प्रदेश में चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद करीब 10,000 का जुर्माना भी वसूला गया। ये यात्री बसों के खिलाफ हम अभी चेकिंग अभियान चल रहा है, उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने करीबन 1 दर्जन गाड़ियों के खिलाफ हमने चालानी कार्रवाई की है, जिसमें से 4 गाड़ियों से मौके पर हमने 10,000 रुपये जुर्माने की रकम वसूल की है और 5 गाड़ियों को जब्त करके थाने भिजवाया है। 4 बसों के हमने फिटनेस निरस्त किए हैं, उनका अप टू मार्क नहीं था फिटनेस, और ये अभी तक की कार्रवाई है। खबर बदनावर से, जहां आर्मी की ट्रेनिंग पूरी कर पहली बार अपने गांव लौटे विशाल का गांव वालों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रीय गीतों के साथ पुष्प वर्षा कर जगह जगह विशाल का स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामवासी भी मौजूद रहे। चलिए इस वक्त होशंगाबाद के इटारसी से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सीएम शिवराज को ये कांग्रेस कार्यकर्ता काले झंडे दिखाने जा रहे थे और काले झंडे लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता, तभी पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया। तो होशंगाबाद से खबर, जहां पर पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, तो ये देखिए तस्वीरें,
यहां पर पुलिस ने बलपूर्वक इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पकड़ा। गजानन तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता। गजानन, क्या पूरा घटनाक्रम रहा वहां? नगर कांग्रेस होशंगाबाद की ओर से आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सीएम शिवराज जी जो बता दें, आज नर्मदा जयंती के अवसर पर मां नर्मदा की आरती करने और पूजन करने होशंगाबाद आ रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेसियों का आरोप है कि मां नर्मदा में अभी तक होशंगाबाद के पूरे शहर का गंदा नाला का पानी उसमें मिलता है, इस हेतु वे सारे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और शिवराज सिंह को काले झंडे दिखाने के लिए सारे एकत्रित हुए थे, जिन्हें पुलिस ने बलपूर्वक वहां से हटाया और उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी शुक्रिया गजानंद इस पूरी जानकारी के लिए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान इटारसी पहुंचने वाले थे, उसके पहले ही कांग्रेस इकट्ठा हुए और सीएम शिवराज को वो काले झंडे दिखाने की तैयारी कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अभी वो पुलिस हिरासत में ही है। चलिए तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।